ऐसा कहा जाता है कि बिहार में आरजेडी का वर्चस्व है और आरजेडी जो है वो लगातार एक समीकरण पर काम करती है। समीकरण का नाम MY है, यानी माई के समीकरण पर कार्य करने वाले आरजेडी को कहीं ना कहीं अब की बार माई में M का साथ नहीं मिलने जा रहा है। लालू यादव के पार्टी के पूर्व नेता रह चुके हैं परवेज आलम जी हमारे साथ है। ये कहा जा रहा है कि जो आरजेडी है वो लगातार जो कहीं ना कहीं MY समीकरण पर काम करती है, तो अब की बार मुसलमान नाराज क्यों दिख रहे हैं आप? करे मुसलमान नाराज है पत्रकार महोदय, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने कहा कि मुसलमान नाराज है। आखिर मुसलमान नाराज क्यों नहीं हो? क्यों होगा भाई? लालू प्रसाद थे तो कहते थे कि माई की पार्टी है, उनका बेटा आया तो कह रहा बाप की पार्टी है। तो पहले तय कर लें कि पहले बाप की पार्टी में रहें कि माई के साथ रहें। अच्छा, माई का नाराज होने में M का नाराज होने का कारण है, हम शाहबाद के रहने वाले हैं, शाहबाद में चार जिला है, 22 विधायक हैं। अभी कल की बात है, श्री जगदानंद जो प्रदेश अध्यक्ष उनके पुत्र को मिला बक्सर का टिकट, सासाराम को मिला लगभग दूसरे को टिकट, आरा मिलेगा किसी और को टिकट, काराकट मिलेगा किसी और को टिकट। अच्छा, और यहाँ पे मुसलमानों की आबादी या मुसलमानों का जो वोट है वो 8 लाख वोट है पूरे शाहबाद में, और एक भी MP नहीं है, और MP का जीत जो है वो 3,90,000 पे होता है और हम 8 लाख वोटर हैं। कहीं से हमको टिकट शाहबाद में नहीं मिला, इनको टिकट कहाँ देंगे? ये अररिया देंगे, किशनगंज देंगे, पूर्णिया देंगे, और अबर बार RJD वोट कटवा पार्टी बनेगी जी। और आप जिस पार्टी में मीम को वोट कटवा नहीं कहते हैं कि जो अकेले लड़ रहा है चुनाव? अच्छा, ये बता, नहीं, मीम को जानने वाला कितने लोग बताइए ना भैया। हाँ, बता रहे हैं, बताइए ना पत्रकार महोदय, आप घबराइए ना, बड़ा था ना, बताइए ना। 1980 का इतिहास जानिए कि BJP को जानने वाले कितने लोग थे। 1982 में BJP का 2 MP और 1998 में BJP का 300 सीट, तो आप भूलिए मत, हम द बंच ऑफ थर्ड पढ़ के आए हैं और हम RSS की किताब पढ़े हैं, हम जनसंघ की किताब पढ़े हैं, उस किताब को पढ़ने के बाद तब हम IMIM ज्वाइन किए हैं। मेरा 20% वोट है, ये माननीय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने कहा मेरा वोट जो है 20%, और मेरा क्यादत, मेरा अपना कोई नेता नहीं है, इससे बड़ी गिरी हुई पार्टियां तो थी ना आपको, क्या RJD तो है ही है, तो कभी करता है कम सर। माननीय लालू जी थे तो माई की पार्टी थी, अब माननीय तेजस्वी जी हैं वो कहते हैं कि बाप की पार्टी है, तो पहले पिताजी से पूछे कि माई की पार्टी में मुसलमानों का वोट चाहिए और टिकट नहीं चाहिए, टिकट पंडित जी को MLC बनाएंगे और बाबू साहब को, राजपूत को, ठाकुर को टिकट देंगे, आनंद मोहन के बेटा को छोटा भाई कहेंगे, शहाबुद्दीन के बेटा को इका कहेंगे, पहले शहाबुद्दीन के बेटा से कोई भाई कहें, उसके बाद चेतन आनंद को ही भाई कहते हैं, वो साबा को क्यों नहीं भाई कहते हैं? कैसे मान जाए? शहाबुद्दीन जैसा अगर एक वफादार RJD में होगा, उस दिन आप आइएगा, हम वकालत के साथ। RJD से क्यों नाराज है महोदय, क्यों RJD? हम कहते हैं कि RJD से नाराज होने का मूल कारण ये है कि हम लोगों के कहां इन्होंने जगह दिया है, मतलब 40 का 40 सीट आपको दे दे, 40ों पर मुसलमानों को उतार दे, बस ये लगता है। 4 सीट पे उतारिए ना, जहां पे हम लोग का हक बनता है, आप 40 सीट पे लड़ते, 4 सीट पे आप उतार दीजिए, तो आप उतारिएगा कहां? किशनगंज, अररिया, मधुबनी। कारण कि वहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और मुस्लिम को विधायक नहीं बनाना है आपको, MP नहीं बनाना है आपको। हम 20% आप 14% है, कहते हैं माई समीकरण है, और आपका 72 विधायक हो जाता है, हमारा 6 विधायक पटक जाता है, कहीं ना कहीं इस कारण को समझना होगा पत्रकार महोदय। अच्छा, तो इसीलिए आपने MY ज्वाइन कर लिया? MY ज्वाइन, हम अपनी क़यादत करेंगे, 20% की लड़ाई में लड़ेंगे। मीम माने जा रहे पूरे बिहार में? मीम पूरे बिहार में नहीं आया, चाहे नहीं, अपनी अपनी ताकत को दिखाएंगे, और जो इस झोपड़ी वाला के साथ आएगा वो महल वाले का स्वागत। लेकिन कह तो रहा है कि RJD की कोई नेता कहते हैं कि नहीं वो लोग वोट कटवा है, चुनाव में आ जाते हैं, असदुद्दीन ओवैसी के जानने वाले कितने लोग हैं? केवल और केवल बताइए, परेशानी करने के लिए विपक्ष का आ रहे हैं आप लोग, कहीं ना कहीं मोदी जी को सपोर्ट कर रहे हैं क्या, मतलब बैकफुट पर जाकर किनारे से?
2020 आप तो उस वक्त जवान हुए तो उस वक्त तो वैसी का नाम जानते थे नहीं ना। अब 5 सीट जीत गया था ठीक है, और आज ओबैसी एमपी चुनाव लड़ा था कभी नहीं, तो ओबैसी साहब एमपी चुनाव लड़ रहे हैं 11 सीट पे, 200 सीट हो सकता है। तो आप जब ओबैसी को जान गए तो हम काहे नहीं जानेंगे, मतलब केवल वोट बिगाड़ने के लिए लड़ रहे हैं आप लोग जहां जाम काटिए। 2020 में ओबैसी का कोई विधायक था पार्टी का पतंग छाप से 5 विधायक, अबर बार विधानसभा में 40 विधायक, लिख लीजिए स्वर्ण अक्षरों से इस बात को कि ओबैसी की पार्टी विधानसभा में चुनाव लड़के 40 सीट लाएगी और अबर बार 40 सीट लोकसभा में 4 सीट जीतेगी, ये कंफर्म कहीं काला अक्षर से लिख लीजिए। लेकिन एक बात बताइए तो क्या जहां जहां से ओबैसी जी उतारेंगे सब मुस्लिम कैंडिडेट उतारेंगे कि कहीं ना कहीं किसी को मौका दे? पत्रकार महोदय आप गया के जाइए, पासवान जी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, आप काराकाट जाइए प्रियंका चौधरी चुनाव लड़ने जा रही है, अब कहां मुसलमान हिंदू करते हैं आप लोग? आरएसएस का किताब पढ़ गए हैं? नहीं नहीं आप पढ़ क्या है ना, आपने बोला कि हमने किताब तो पढ़ा है, हम तो किताब को राजनीति करना है। अधिवक्ता है देश का नेता, अधिवक्ता देश का पाल नेता, अधिवक्ता गांधी जी अधिवक्ता थे। बक्सर से किसको उतार रहे हैं? बक्सर से कौन आप? हम बक्सर से घोषणा नहीं किए हैं, बक्सर से कोई आदमी लड़ेगा चुनाव वहाँ? अनुमान है, कोशिश किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर आरजेडी के कद्दावर नेता जगदानंद बाबू के जो लड़के हैं सुधाकर जो लड़ रहे हैं, सुधाकर जी तो देखबे करते हैं युवा नेतृत्व में, इस्तीफा भी दे दिए पद से, मतलब लालू प्रसाद समाजवादी नेता थे, इसको नकारा नहीं जा सकता था। अच्छा, लेकिन जो चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी का भी चुनाव लड़ लिए थे, पता कर लीजिएगा जाके। सुप्रीमो जो है उनसे बात पूछने लायक हम लोग हैं नहीं, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष आरजेडी से पूछिए कि उनका पुत्र बीजेपी से भी चुनाव लड़ चुका है और उसी को राजद चुनाव में सीट दे रही है, तो आप कम से कम समझ सकते हैं। तो मतलब अब राजद का क्या होना, आप क्या लगता है क्या होगा? स्वाहा पूरे बिहार में स्वाहा। तो मतलब समर्थन किसको कर रहे हैं? राजद अंधकार में, आपके दिल में कौन है? 2024 में राजद अंधकार में जाएगी और 2025 में राजद बुझ जाएगी। इस बात को तो आपके दिल में नीतीश है, चिराग है कि मोदी है, कौन है? हम है, दलित है, गरीब है, अति पिछड़ा है, हमारे साथ ये लोग हैं। तो मानते हैं कि मीन मतलब दलितों का पार्टी है, मान लीजिए जय भीम जय भीम, एकदम दलितों की पार्टी। ओबैसी साहब का एक भाषण सुनाइए, एक भी संबोधन सुनाइए जिसमें ना कहते हैं जय भीम जय भीम। भीमराव अंबेडकर वादी हैं, हम भीमराव के संविधान को मानते हैं, भीमराव के साथ हैं। तो मतलब 11 जगह की बार बिहार में आप लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो तैयारियां कैसी चल रही है? तैयारियां जबरदस्त। हमारी चुनाव लड़ने से हम परेशान नहीं, हम खुश है कि आरक्षण किए, आपने हमको बता दिया 20% है, जो हमारे समाज के लोग ये नहीं भी जानते हैं कि मेरा वोट कितना, मेरा हक कितना। नहीं, नहीं, ये तय नहीं है कि जहां से आरजेडी चुनाव लड़ेगी वही जगह जाके मीम चुनाव लड़ेगा, भाजपा जहां लड़ेगा। काराकाट में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, गया में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है, अच्छा किशनगंज अररिया में आरजेडी चुनाव नहीं लड़ने जा रही है। सिवान का लेकर क्या आप मुसलमान हैं, कहने के मुसलमानों का भी नेतृत्व करती है आपकी मीम? और एक बात बताइए कि जो सिवान का हालिया स्थिति देखा जाए, आपने उसमें आपकी बात की तो शहाबुद्दीन माना जाता है कि सिपाही के रूप में थे लालू यादव की, लेकिन क्या लगता है कि उनके पत्नी को मतलब क्या लगता है नजरअंदाज किया जा रहा है क्या आरजेडी के द्वारा? शहाबुद्दीन की पत्नी एक बेवा पत्नी, बेवा औरत है, अब बेवा औरत के इंसाफ के साथ हम खड़े रहेंगे, जहां से वो चुनाव लड़ेंगी हमारी पार्टी नहीं लड़ेगी, हम छोटे नेताओं के घोषणा कर रहे हैं। जहां से बेवा औरत उसके इंसाफ मिलना चाहिए, और जहां से बेवा औरत चुनाव लड़ता है कोई टिकट देगा उनको? नहीं देगा लड़े, अरे टिकट नहीं देना और देना वो तो पार्टी की बात, पार्टी नहीं दे दे तो मीम उनको टिकट नहीं, मीम चुनाव नहीं देंगे उन, पार्टी उनका बुलाहट है, गुजारिश है कि आप आइए हम उनके साथ हैं, वो कहीं से चुनाव लेंगे मेरी पार्टी टिकट नहीं। अच्छा मोटो क्या रहेगा 2024 के चुनाव में, केवल कर ऊपर सेंट्रल का मोटो है बस केवल MI का समीकरण पूर्ण आप लोग चले? जाति जनगणना भारत लेवल पे होगा और आने वाले 30 में
हम लोग अपना हक हिस्सा बराबरी का हिसाब कर लेंगे, हम लोग का मैथ बहुत मजबूत है। अच्छा, भूगोल थोड़ा खराब है। तो मोदी जी का भी गणित और हिस्ट्री ज्योग्राफी सब मजबूत है। बिल्कुल, हम तो मानते हैं माननीय प्रधानमंत्री अच्छे गणित थे, अच्छा उनका चुनाव समीकरण था, अच्छे लोग उनको जोड़। तो 11 के बाद अभी 11 है, 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होगी तब मीम कितने सीटों पर लड़ने जा रहा है आपकी बार, उसके बाद क्या होगा? मीम 40 सीट कन्फर्म है, अभी उसके बारे में सोचा अभी नहीं। तो मोदी जी लेकर बोलने लगे कि 400 प्लस, तो कहीं कहीं प्लस नहीं, आपने कहा ना 40 और 4 40 लड़ने की बात, लड़ने जीतने में फर्क होता है। तो लड़ 40 जगह लड़ने जा रहे हैं, अभी 25 की बात हमारी पार्टी जो तय करेगी बड़े लेवल। लेकिन 11 में कितना निकलने जा रहा है महोदय? 11 में 5 सीट हम लोग कन्फर्म है, लड़ने की तलाश में 8 सीट पे है। अच्छा, और सीटें बढ़ेंगी भी, सीटें बढ़ेंगी भी मीम की, और उसके बाद आप कहीं ना कहीं मतलब कीजिएगा कार्य, कीजिएगा का कीजिए। जब रामविलास चाभी लेके भाग जाते हैं 29 सीट ला के विधायक ने विधानसभा भंग कर देते हैं, एक वोट नहीं दे पाते हैं, उस वक्त आप लोग पत्रकार महोदय रामविलास से कहे नहीं पूछे, रामविलास के बेटा से पूछिए। एक बात बताइए, जिस गृह जिला से आते हैं वहाँ की राजनीति देखा जाए तो कहीं कहीं मंत्री मुरारी प्रसाद गौतम जी को जानते हैं, पूर्व मंत्री थे। आप पूछिए, नहीं आप बताइए ना। अरे हम कह रहे हैं, अभी लगता है कि भाजपा को टिकट देने जा रही है, अनुमान बताया जा रहा है सासाराम से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। एकदम धन्यवाद, उनका आरक्षण है, आरक्षित सीट है, लड़े। अच्छा, स्वागत है, आए मैदान में, प्रजातंत्र है, चुनाव लड़ना चाहिए, संवैधानिक प्रक्रिया है, इसको पूरा किया जाए। टक्कर किसका होगा मीम से? मीम का सामना कौन करने जा रहा है? मीम से किसकी किसी बीच में लगता है कि टक्कर होगा? आरजेडी सामने रहेगी कि नहीं? हमसे किसी के टक्कर होगी? 1%, 2%, 3%, 4% हम 20%, टक्कर हमसे होगा। तो लगता है कि आपके ये पूरे मुसलमान मीम की तरफ है, आपको लगता है 200% मतलब प्यार खत्म हो गया है? 200% शहाबुद्दीन को जो वफादार, वैसे वफादार आदमी के आप जब मरने में उसके मंजिल में उसके जनाजे में आप नहीं गए, उतना वफादार आदमी अगर एक दिन जिस दिन हो जाएगा आरजेडी में, उस दिन हम राजनीति करना और वकालत करना दोनों छोड़ देंगे। चलिए, कहीं ना कहीं आपने इनकी बातों को सुना है और इन्होंने बताया कि जिस प्रकार मीम की जो तैयारियां हैं, मीम कहां से लड़ने वाली है, कैसी तैयारियां हैं, तो इन्होंने सीधे 100 में से 20 भागों पर इन्होंने राजनीति करने का आपकी बार ठान लिया है। बहरहाल इनकी बातों को सुनकर आपको क्या कुछ लगता है कमेंट सेक्शन में चले जाइएगा और कमेंट करके जल्द से जल्द बताइएगा।